जय जेसु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों का और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 88वां दिन की व्याख्या हम सुनेंगे। विधि विवरण के अध्याय 22 और 23 हमें आज पढ़ने के लिए हैं। साथ में स्तोत्र संख्या 46, योहन के अध्याय 20। 22वां अध्याय इस प्रकार शुरू होते हैं। विभिन्न नियमों में पहले ये नियम दिया गया है, यानी अपने पड़ोसी के जानवर को भटकते हुए पावे तो उनको पहुंचा देना वापस। आपको पता नहीं ये किसका है तो सुरक्षित घर पे रखना, जब तक इसका मालिक ढूंढते हुए आवे तब तक रखना, जब वो आएंगे इसको वापस भेज देना। किसी जानवर को रास्ते में गिरे हुए गड्ढे पे पड़े हुए देखेंगे मदद करना। यह सब क्यों है? प्रभु तो छोटी सी बातों को भी कितना ध्यान रखता है। विशेष मतलब क्या है? प्रभु के लोगों में जो प्यार और भाईचारा प्रभु चाहता है उसकी याद दिलाते हैं। हालेलुया। आगे 5वां वचन थोड़े से ध्यान देना। स्त्री को पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ना पुरुष को स्त्री के वस्त्र। जो ऐसा करता है वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि शायद ये नहीं बता रहे हैं कि लड़कियां जीन्स नहीं पहने या शॉर्ट्स या छोटे मतलब या पैंट्स नहीं पहने, ये सब पुरुषों का है, इस तरह की बात नहीं है। हालेलुया। इसके पीछे जब यह बताया गया है ऐसे आचरण प्रभु को घृणित है, इसका मतलब उनके पीछे और कुछ है, अवश्य और कुछ है। इसलिए हम उनकी व्याख्या सुने तब काफी व्याख्या कार ये बताते हैं कि उस समय प्रचलित कुछ अंधविश्वासी प्रथाएं इनके पीछे हैं। इसके बारे में मूसा उनको सचेत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए संत अम्ब्रोस बताते हैं कि मूर्तियों की आराधना करने वाले लोगों में उस समय इस तरह की प्रथाएं चल रही थी। उदाहरण के लिए कनानी लोगों में जो अशेरा देवताओं की पूजा होती थी, विशेष उनके एक त्यौहार होते थे, उस त्यौहार में आने वाले सभी लोगों को ये नियम था पुरुष को स्त्री का कपड़ा पहनना था, स्त्री को पुरुष का कपड़ा पहनना था। मतलब वो अंधविश्वास मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई बात है, देवी की देवता की पूजा के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए इस तरह का कार्य। उनके पीछे और कुछ घृणित कार्य भी है, कुछ यौन संबंध बनाने से जुड़ी हुई सेक्सुअल परवर्शन, यौन विकृतियां, इस तरह के कार्य उनके पीछे होते थे। लूसियन हमको बताते हैं कि बाखस देवता का त्योहार, आप जानते हैं बाखस देवता दारू की देवता है, तो वो उनके त्योहार पे जब उनकी आराधना करने वाले लोग पुरुष लोगों को स्त्री का कपड़ा पहन के जाना पड़ता था, और मंगल ग्रह की पूजा करने वाले लोग मार्स की आराधना करते हैं और उन लोगों में उनकी स्त्रियों को पुरुष का कपड़ा पहन के जाना पड़ता था। इस तरह ये मूर्तियों की पूजा से जुड़ी हुई एक प्रथा और एक विवरण है इसके पीछे, इसलिए इसका सख्त विरोध करते हैं और उनको मना करते हैं, और ये प्रभु को ऐसा आचरण घृणित है। लेकिन और कई व्याख्याकार है जो ये बताते हैं उनके पीछे शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, मतलब सेक्सुअल परवर्शन इसके पीछे है, विशेषकर क्या है, समलैंगिकता की बातें। आप समझते हैं होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष पुरुष के साथ स्त्री स्त्री के साथ जो गलत संबंध बनाते हैं शारीरिक संबंध, उसी चीज से जुड़ी हुई एक बात है
उनके पीछे, इसलिए इसको मना कर रहे हैं। कैसे भी हो, एक बात हम बाइबल से देखते हैं वो यह है, मूर्ति पूजा और समलैंगिकता ये जुड़ी हुई बात है बाइबल पे। आपने कभी देखा इस बात? बाइबल हमें बताते हैं अगर मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई बातों में समलैंगिकता आएंगे या प्रभु को योग्य आदर सम्मान नहीं देता है तो आप इस तरह के पाप में फंस सकते हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 1 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वचन 21 है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उन्हें समुचित आदर धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया, उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया, वे अपने को बुद्धिमान समझते वे मूर्ख बन गए, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य पक्षियों पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली, यानी उनकी पूजा की, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया, एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करने लगे। इसलिए मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई ये व्यभिचार की बातें बहुत जल्दी आती है, और उससे बढ़कर कहा जाएगा, उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया, सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की किंतु सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है, यही कारण है ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया, उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी, इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे, पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं, इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में ही भोग रहे हैं, वो अपने शरीर में एक दंड भोग रहे हैं। इस पाप को स्वयं एक दंड के रूप में बताया गया, ये कहाँ से आए? मूर्ति पूजा से आए, इसलिए प्रयोजन मूर्ति पूजा से ये पाप चला आता है, इसलिए इनका सख्त मना करते हुए प्रभु नियम दिया है। और उसके तुरंत बाद क्या है, सेक्सुअल सिंस या व्यभिचार और अशुद्धि से जुड़े हुए पाप के लिए, बलात्कार के लिए, व्यभिचार के लिए, लंपटता के लिए सब दंड जो बताए गए हैं वो इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। और हम अगले अध्याय पे जाएंगे, 23वां अध्याय, वहां पर शिविर की स्वच्छता बताए गए हैं, यानी आप जिस शिविर में रहते हैं उस शिविर में स्वच्छता, क्लीनलीनेस, उसकी विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए, ऐसा ना हो वो तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देकर तुमसे विमुख हो जाए, प्रभु तुम्हारे बीच में है, इसलिए तंबू को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। पवित्रता और शुद्धता यानी क्लेनलीनेस एंड होलीनेस, साफ सफाई और पवित्रता, ये जुड़ी हुई बात है। जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, अपने शरीर का, अपने कमरे का, अपने कपड़े का, जिस जगह में रहते हैं उस जगह का साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, वो पवित्रता पे आगे बढ़ नहीं सकता, ये जुड़ी हुई बात है। हालेलुया, इसलिए सफा रखना है, सब कुछ को उचित और व्यवस्थित रूप से करना है, जैसा कि कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 14:40 में हम लोग देखते हैं, उचित और व्यवस्थित रूप से करना है, को ऑर्डर होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और ये सब कुछ बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु साथ में रहते हैं। ये सारा नियम इसलिए भी दिया गया, तंबुओं में एक साथ रहने वाले लोग हैं तो अशुद्धि और इस तरह की क्लेनलीनेस, सफाई की कमी सब आने से वो सभी लोगों पर असर पड़ता था, इसलिए इस तरह का सारे नियम रखा है। साथ में प्रभु आपके बीच में रहता है, इसलिए आपको अपने तंबू को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, ये नियम प्रभु दे दिया है। हल्लेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 46 को जरा देखें और मनन करें। विपत्ति में पड़े हुए एक व्यक्ति को गाने के लिए सबसे अच्छे भजनों में एक 46वां स्तोत्र है। अगर आप कुछ बड़े परेशानी में, संकट में, कुछ डर सताते हैं, चिंताएं होती हैं, इस स्तोत्र को पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वो संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे,
चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले, पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए, हम नहीं डरते। यानी प्रभु हमारा आश्रय है, वो हमारा सामर्थ्य है, संकट में सदा साथ रहता है। इसलिए अगर आप विश्वास करता है, डरना नहीं है आपको। डरने के लिए आपके पास कोई उपाय अभी नहीं है। कारण क्या है? आपका प्रभु है, विश्वास प्रभु पे है, जो परेशानियों से बढ़कर है, विपत्तियों से बढ़कर है। इसलिए हम यदि भरोसा रखते हैं तो आपको डरना नहीं। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी को सामने लाया, मैक्सिमम जितना हो सके इतना तो पृथ्वी कांप उठेगा, पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएगा। इतना बड़ा पर्वत अगर गिर जाता है तो कितनी बड़ी विपत्ति है, कितने लोग उनको डराने वाली चीज होगा। इसलिए दुनिया में होने वाले सबसे मैक्सिमम भयानक चीजों का विवरण देते हुए कहता है हमको डरने। हालेलुया। आगे पांचवा वचन, एक नदी की धारा ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर के नगर यरूशलेम है। आज जब हम बोलते हैं ईश्वर का नगर कलीसिया, ईश्वर वहां पर रहते हैं, और हमारा परिवार भी ईश्वर का नगर होना चाहिए। जब प्रभु, अगर आपको विश्वास है प्रभु हमारे घर में है, हम दो या तीन जन प्रभु के नाम पे एकत्रित होते हैं, प्रभु हमारे बीच में, तो ये प्रभु का नगर हो गया। इसलिए ऐसे प्रभु के नगर में एक नदी की धाराएं आनंद प्रदान करेगी। वो नदी पवित्र आत्मा, ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप नदी। संत अगस्तीन बताते हैं यौन के सुसमाचार में प्रभु त्योहार के समय में खड़े होकर कहा था, जो प्यासा है मेरे पास आकर पी ले, उनके हृदय से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी, वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था। इसलिए आनंद की नदी, पवित्र आत्मा में आनंद ईश्वर का राज्य है, याद रखना। प्रभु उसमें रहता है, कभी पराजित नहीं होगा, इसलिए हम कभी पराजित नहीं होता। और प्रभु कब मदद करेगी? प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। देखिए बाइबल में बराबर हम देखते हैं प्रभु प्रातः काल हमारी मदद करती है। उदाहरण के लिए स्तोत्र संज्ञा 5:4, प्रभु तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। इसका मतलब प्रातः काल में चढ़ावा सजाता हूँ, क्योंकि प्रातः काल तू प्रार्थना सुनती है। द मोस्ट कंड्यूसिव टाइम ऑफ ग्रेस, प्रार्थना सुनी जाने की सबसे सुंदर समय कब है मालूम? प्रातः काल का समय, बाइबल इसका साक्षी देता है। इसलिए प्रभु बड़े सुबेरे प्रार्थना के लिए बराबर जाया करता था। एक बड़ी परेशानी आई शिष्यों के ऊपर, आंधी तूफान, लेकिन प्रभु कब उनके पास गया? रात के 14 पहर यानी सुबह 3 बजे का समय, उस समय प्रभु उनके पास गया। प्रभु कब जी उठा? इसी वक्त बड़े सुबेरे जी उठा, और प्रभु बराबर प्रार्थना के लिए बड़े सुबेरे जाते थे। प्रवक्ता ग्रंथ पे 4 हम देखते हैं सुबेरे उठकर प्रार्थना करने की जरूरत। प्रज्ञा ग्रंथ के 16 के आखिरी वचनों में लिखा है, 28 वचनों में, कि ये इस बात का प्रकटन था कि हम सभी बड़े सवेरे उठे और प्रभु को धन्यवाद दे। और प्रज्ञा ग्रंथ नहीं, सूक्ति ग्रंथ के 8 में हम पढ़ते हैं कि बड़े सवेरे प्रार्थना करने का क्या लाभ होता है। इस तरह बाइबल बराबर हमको सवेरे सुबह सुबह प्रार्थना करने की बातें बताए गए हैं। हालेलुया। और आगे कहते हैं वचन 10, वो पृथ्वी पर के युद्धों को शांत करता, धनुष को तोड़ता, वाले के टुकड़े टुकड़े करता, युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। ये कब की बात है? अनेक लोगों में अब भिन्न विचार है। कोई बोलते हैं प्रभु येसु की येसु के जन्म के साथ आई हुई शांति के विषय में है। कुछ लोग बोलता है कॉन्स्टेंटाइन जब महाराजा बने और रोम में ईसाई धर्म को राज धर्म के मतलब गवर्नमेंट के धर्म के रूप में स्वीकार किया था, तब यहूदियों ईसाइयों के ऊपर आक्रमण संबंध हो गया था,
नहीं तो कितना अत्याचार, कितने लोग मारे गए थे। वो सब बंद हुआ था जब चौथे सदी पे कॉन्स्टेंटाइन वहाँ पर एम्परर यानी राजा बने थे, उसके विषय में शायद बताता था। लेकिन संत अगस्तीन बोलते हैं ये जो प्रवचन, ये जो भविष्यवाणी है, ये अब तक पूरा नहीं हुई है लेकिन जरूर पूरा होगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर पूरे विश्व पे शांति होगी, युद्ध नहीं होगा, वो बताते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है ये अपने बारे में, हर एक व्यक्ति के बारे में भी इसको लगा सकते हैं, इसको हम अपना सकते हैं। यानी पृथ्वी भर के लोगों के जो प्रभु को अपनाते हैं उनके अंदर जो युद्ध है उसको शांत करता है। यानी हमारे अंदर एक युद्ध होता है, क्या है, करूँ ना करूँ, जाऊँ, और फिर चिंता, उत्कंठा, ये सब लहरें, उत्कंठा की लहरें उठते हैं, डर और गुस्सा, ये सब अंदर बहुत बड़े एक युद्ध अंदर करते हैं। वो धनुष को तोड़ता, धनुष मतलब हमारे अस्त्र शस्त्र है, और गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना, ये सब हमारे भाले के टुकड़े टुकड़े करता। प्रभु हमारे अंदर की बुराई को शांत करेगा, टुकड़ा टुकड़ा करेगा। युद्ध रथों को यानी हम जिन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, सोचा था दूसरों को तोड़ने के लिए और उनके ऊपर शासन करने के लिए, अधिकार करने के लिए, उनको नीचे दबाने के लिए, हम क्या-क्या करेंगे सोचा था, जिन चीजों पे हमारी भरोसा थी उनको सब प्रभु अग्नि में भस्म कर देगा। इसका मतलब हमारे अंदर के युद्ध को प्रभु शांत करेगा। आगे कहता है, शांत हो और जान लो मैं ही ईश्वर हूं। ये वचन प्रभु ने कब कहा था? शांत हो जा, थम जा, कब? मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 4:39 वचन पे समुद्र को, आंधी तूफान को प्रभु ने आदेश दिया था, यही शब्द बोल के शांत हो जा। उस समय उन लोग सब शांत हो गया था, समुद्र आंधी तूफान से, और प्रभु के अधिकार के सामने नतमस्तक हो चुका था। वही वचन हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, शांत हो, जान लो मैं ही ईश्वर। इसका मतलब हमारे अंदर जो भी युद्ध, जैसे मैंने पहले वचन के बारे में बोला, यही है इसका अर्थ है। इसलिए मुझे लगा कि ये वचन 10वां वचन भी इसी के कारण होगा कि हमारे अंदर जो भी उथल पुथल होता है, कभी निराश हो जाते हैं, कभी चिंता होती है, प्रभु कहता है शांत हो जा, जान लो मैं ईश्वर, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, तुम्हारे नाव पे मैं हूं, तुम क्यों डरते हो? जब तक मैं तुम्हारे नाव पे हूं, नैया नहीं डूबेगी, आंधी आएगी। देखिए आंधी तूफान आके उसी नाव पर टकराए थे जहां पर यीशु था। देखिए यीशु होने का मतलब ये नहीं कि आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगी, तूफान आंधी उसी गाड़ी पे, उस घर पे और उस नाव पे सब आए थे जहां पर प्रभु है, लेकिन संदेश ही है नैया नहीं डूबेगी, प्रभु है हमारे साथ, ये विश्वास करना। शांत हो जाओ और जान लो मैं हूं, ये विश्वास हमें शांत कर दे, हमारे अंदर के सारे सारे चिंताओं से हमको बचावे। हालेलुया। अब अभी यौहन के सुसमाचार में आएंगे, 20वां अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय है, प्रभु के पुनरुत्थान की घटना यहां पर है। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। कब पहुंची? बड़े सुबह। क्यों पहुंची होगी वो अकेले? यहाँ पर यौहन के सुसमाचार के अनुसार वो अकेले ही है, बड़े सुबह, उनको कोई डर नहीं था। मसीह का प्रेम हमको प्रेरित करता है, द लव ऑफ जीसस कंपल्स अस। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5:14 पे है, इसलिए प्रेम के कारण आई अपने प्रभु के पास। लेकिन उसने देखा कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया, तब उसने क्या किया? उसने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई गई। देखिए ईस्टर जो है पुनरुत्थान पर्व में बहुत दौड़ है। यदि आपको पता है आपका प्रभु जी उठा है, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको प्रभु भगाएगा यानी अपने काम में लगाएगा, तब वहां पर धीरे धीरे जाएगा, कल जाऊंगा सब नहीं है, जाना पड़ेगा तुरंत, भागता है, ये दौड़ती हुई गई। इसके पास पेत्रुस और तथा दूसरे शिष्य
जिसे यीशु प्यार करते थे। विशेषता मैंने एक बार कह दिया, योहन अपने नाम कभी बताता नहीं है सुसमाचार में अपना नाम, क्योंकि उनके लिए अपना नाम की विशेषता कुछ नहीं है। उनकी विशेषता यह है कि मेरा यीशु मुझे प्यार किया। एक ही बात वो प्रकट करना चाहता है, मेरे लिए सब कुछ उसका प्यार है। मेरे नाम की कोई महत्व नहीं है, इसका महत्व है कि मेरा प्रभु मुझे प्यार करता। मैं वो हूं जिसे यीशु प्यार किया। यीशु का प्यार को उन्होंने विशेष रीति से स्वीकार किया, अन्य लोगों से ज्यादा। इसलिए यौहन का महत्व है, प्यार को बहुत ज्यादा स्वीकार किया। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु के प्यार को कुछ लोग ज्यादा स्वीकार कर लेता है और उनमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य प्रकट भी हो जाता है। और जैसे सुना ये दोनों दौड़े, पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। दोनों एक साथ दौड़े, वे दोनों साथ साथ दौड़े। वचन चार, दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंचा। क्यों? ज्यादा प्यार, ज्यादा तेज। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। उसने झुककर देखा, चालटी की पट्टियां पड़ी हुई है किंतु वो भीतर नहीं गया। कारण क्यों है? उसने इंतजार किया किसका? पेत्रुस का। इसलिए पहला स्थान पेत्रुस का, शिष्यों में पहला स्थान, इसलिए उनको पहले जाना चाहिए। इसलिए वो द प्राइमेसी ऑफ द चेयर ऑफ पीटर, वो कलीसिया का एक नियम है। इसलिए उसने पीटर को आने दिया, अंदर जाने दिया। पेत्रुस अंदर गया, सब देखा। और क्या हुआ? पट्टियां पड़ी हुई है, कब्र खाली है, और अंगोछा जो बांधा था सिर पे वो भी रखा हुआ था, सब है। लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा है। लेकिन और आगे क्या है? तब वो दूसरा शिष्य जो पीछे आया था वो अंदर गया। अब योहन, उसके विषय में क्या लिखा है? उसने देखा और विश्वास किया। देखिए, प्यार बहुत ज्यादा होता है तो विश्वास करने में आसान होता है। हालेलुया। इसलिए प्यार विश्वास करने के लिए बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वो लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। लेकिन तब तक नहीं समझे थे, लेकिन इस समय हम पर जब आया उनको जल्दी समझ में आया और वो विश्वास किया और ये दोनों घर लौटे। लेकिन कौन घर नहीं लौटते? मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही, इनके अंदर, क्योंकि बाकी दोनों शिष्य लोग डर गए होंगे, क्योंकि बाहर निकलना उस समय उचित नहीं था, क्योंकि वे डरते थे। उनके साथ कुछ भी, क्योंकि यीशु के साथ, उनके मास्टर के साथ, उनके गुरु के साथ, प्रभु के साथ जो हुआ उनके साथ भी हो सकता था, उनका डर था, इसलिए तो डर के मारे रहते थे। इन लोग सुबह सुबह ही वापस लौटा, लेकिन ये मरियम को कोई डर नहीं। उनके लिए अभी डरना ही क्या है? वो चाहता, अगर मेरा प्रभु नहीं है तो मुझे मर जाना अच्छा ही। इसलिए वो रोती रहती है, रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। देखी ये स्वर्गदूत पहले इन लोग अंदर जाकर देखा, तब दिखाई नहीं दिया शिष्यों को, लेकिन इस स्त्री को दिखाई दिया। प्रभु का कार्य ऐसा है, क्योंकि ये प्रतीक्षा किया, इंतजार करने वालों को स्वर्गदूत भी दिखाई देगा। स्वर्गदूत सब मदद कर रहे हैं इनको, प्रभु पर, प्रभु के जी उठने के लिए, जी उठने पर विश्वास को जागृत करने के लिए स्वर्गदूत को प्रभु ने अनुमति दी उनको रहने के लिए। और उन्होंने पूछा, भद्रे आप क्यों रोती? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मेरे प्रभु के शव को नहीं, मेरे प्रभु के लाश को, बॉडी को लेकर गया नहीं, बोलते मेरे प्रभु को। उनके लिए प्रभु अभी भी चिंता, भले ही प्रभु मर गए थे लेकिन उसके लिए वो जीवित है, इतना प्यार करती है, मेरे प्रभु को ले गए। मैं नहीं जानती उन्होंने कहाँ रखा है, जिनको प्रभु नष्ट हो गया वो सब मातम बनाएंगे। इसी तरह हसुबा है, जिनको पता नहीं प्रभु कहाँ है वो भी इस तरह रोएंगे। हालेलुया। वो ये कहकर मुड़े और ईसा को वहां खड़ा देखा किंतु पहचान नहीं सकी। देखिए अब प्रभु का रूप अलग है,
महिमान्वित शरीर है, पहले का शरीर नहीं है, इसलिए महिमान्वित शरीर होने के कारण उनको हम आंखों से देखने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए एम्माउस जाने वाले शिष्यों के साथ साथ यीशु गया, उनको समझ में नहीं आया क्योंकि अब महिमान्वित शरीर कुछ अलग है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें बताते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15:44 पे लिखा महिमान्वित शरीर के बारे में, और इसलिए आंखों से देख नहीं सकता, वहां पर विश्वास की आंखें, अंदरूनी आंखें चाहिए। वो कब खुलेगी मालूम? आवाज से, उसकी आवाज, प्रभु का शब्द यानी प्रभु का वचन। जब यीशु उनसे बात किया और मरियम पुकारे, तुरंत उनकी आंखें खुल गई, यीशु को वो देख पाई। उसने मुड़कर इब्रानी भाषा में कहा रब्बोनी, यानी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उनसे कहा चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। इसका मतलब यहां पर क्या है? कई व्याख्या इसके दी जा रही है, लेकिन हमने एक व्याख्या हमको अच्छा लगा, उस पर लिखा गया है कि वो पुस्तक पर मैंने पढ़ा, वो अल्फा बाइबल व्याख्या करके बड़ा किताब है, इसका 10 किताब है जैसे। तो ये किताब में है, मैंने पढ़ा कि ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जो शब्द वहाँ पर लिखा गया था इसके लिए कि अब चरणों पर बैठ कर मुझे मत रोको, उसका एक और अर्थ है, वो अर्थ है बहुत समय यहाँ पर नहीं ठहरना, ऐसा भी एक समझे, डोंट स्टे हियर लॉन्ग। इसका मतलब अभी तुमको समय नहीं है यही बातें करते हुए रहने के लिए। इसका मतलब मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, का मतलब मैं अभी नहीं गया हूँ तुमको फिर से मिलूंगा, इसका मतलब मैं अभी नहीं गया हूँ, इसका मतलब अभी नहीं जा रहा हूँ, और समय है, मैं इस आपसे फिर से मिलूंगा बाद में। प्रभु, हम लोग देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में सब ये मरियम मगदलेना और अन्य स्त्रियाँ सब प्रभु के पैर को छूते हैं, पकड़ते हैं, और ये सब आदर सम्मान करते हैं और आराधना करते हैं, मतलब प्रभु समय देगा। अब तुमको क्या है, जल्दी जाना, मेरे भाइयों के पास जाना है, उनको कहना है मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन प्रभु 40 दिन के बाद ही गए, आप जानते हैं, लेकिन इनको बता रहे जाने के लिए तुरंत जाना है, मतलब प्रभु को देखने वाले सभी लोगों को ये उत्साह, प्रभु जिनके जीवन को छूता है उन सभी लोगों में उत्साह प्रभु के लिए कुछ करने का। वो तुरंत जाती है और संदेश सुनाती है। हालेलुया। और इसमें प्रेरितों को प्रभु दर्शन देते हैं, बंद कमरे में थे डर के मारे थे, प्रभु वहां पर गया और उनसे कहा शांति मिले। सबसे पहले प्रभु शांति देते हैं, उसके बाद प्रभु अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई, मतलब क्या है बगल दिखाने का, मतलब घाव, हाथ दिखाने का मतलब घाव दिखाया, और ये देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। जब घाव दिखाई दिए वो ये आनंदित हो उठे, देखिए अभी घाव को आनंदित करने की शक्ति है, घाव वैसे ही आदमी को दुखी करता था, लेकिन अब यीशु का घाव महिमान्वित है, ग्लोरिफाइड वूंड्स, अभी किसी को रुलाएगा नहीं, किसी को सभी लोगों को आनंद देगा। अब तुम दुखी हो, मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा, वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। ये सुने उनके सुसमाचार के अध्याय 16 पे बताए थे, वही है, शिष्य लोग आनंदित हो उठे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु इनको एक मिशन सौंप रहे हैं, यानी पिता ने यीशु को क्यों भेजा था, आत्माओं को बचाने के कार्य में अब शिष्यों को लगा रहे हैं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूक कर कहा, ये दूसरा फूक है, इसका मतलब पहला फूक कहाँ है, हम लोग बाइबल पे उत्पत्ति ग्रंथ पे हम लोग देखते हैं पहली बार वहां पर किसी पे किसी ने फूका था। उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में ईश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था, गढ़ा था मट्टी से, उसके बाद उनके नथनों में फूका तो जीवन आ गया था,
वो जीवन पाप के कारण नष्ट हो गया था। ईश्वरीय जीवन जो ईश्वर ने स्वयं फूंक कर उनको दिया था, वो पाप के कारण नष्ट हो गया था। और यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा जो नष्ट हुआ जीवन पुनः पा लिया हमारे लिए, वो अभी पुनः उन पर फूंक देता है। ये दूसरा फूंक है ईश्वर का जिसपे जीवन आ गया। इस तरह ये बता सकते हैं, ये दिस इज कॉल्ड जोहन्नाइन पेंटेकोस्ट, यूहन्ना के सुसमाचार का पेंटेकोस्ता कहता है इसको। पवित्र आत्मा का एक अभिषेक, नया जीवन उनको मिला और उसके बाद प्रभु उनको अधिकार दे रहे हैं। और इसमें एक और संदेश बाद में है, यो थॉमस उस समय नहीं था, थॉमस को प्रभु मिलने जा रहे, वो भी ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस यमल कहलाता था, वो नहीं था। तब इसने कहा मुझे भी वो घाव को देखना है, तब जाकर मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि शिष्य लोग देख लिया। तब ये थोड़ा जिद्द पकड़ रहा है, प्रभु के प्रति प्यार है, प्यार में थोड़ा सा जिद्द भी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु फिर कब आया, 8 दिन बाद, मतलब अगले संडे को आया। अभी जो हो रहा है एक संडे के दिन है, सप्ताह के प्रथम दिन संडे है। और फिर कब आया, नेक्स्ट संडे को आया, तब तक नहीं गया। इसलिए मतलब संडे की विशेषता, संडे को क्यों प्रभु की खोज में मंदिर जाना चाहिए, संडे को ही प्रभु आया, अभी तो इस दिन में नहीं गया। इसको महत्व दिखाने के लिए अब से संडे जो है प्रभु का दिन है, इसलिए प्रभु का दोबारा आगमन भी एक संडे का दिन ही होगा। हालेलुया। इसलिए संडे वगैरह के दिन, संडे के दिन सब जो है वो प्रभु का दिन है, इतवार जो है, इसलिए उसको अच्छा से हमें मनाना चाहिए प्रार्थना के साथ। और प्रभु ने उनको भी दर्शन दिया, प्रभु हमको भी दर्शन देना चाहते हैं, हमारे जीवन भी आना चाहते हैं, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हम भी उनसे प्यार करें। सच में वो जीवित है, जिंदा प्रभु है, हमारे जीवन को बदल डालेगा। उनको सब कुछ के ऊपर अधिकार है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप सदा सर्वदा आनंद का